दरभंगा हाउस, काली मंदिर घाट, पटना बिहार। माता जी को नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या हुआ माता जी? मेरा नाम पूर्णिमा देवी है जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था चलता था नाट्यश्री संस्था, RN स्वामी का, उनमें मैं गायिका के रूप में थी। हाँ, भजन लोकगीत ये सब मैं गाती थी। 95 में सबसे पहला प्रथम महिला यही तैया टिकुली रह गई, दैया गाने वाली शख्स मैं ही हूँ। हाँ, लेकिन आज सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, आज कल्पना गा रही है वही, उसी ढंग से। सर्वप्रथम महिला मैं ही थी, यही तैया टिकुली रह गई। आज मैं बहुत दयनीय स्थिति में हूँ। मैं एक कलाकार होते हुए, कि मेरा बेटा एक तो एबनॉर्मल है, उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं काली माँ के दरबार में, हाँ, गंगा के किनारे में मैं भजन गाती हूँ। लेकिन सरकार का कोई नहीं ध्यान है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेट कलाकार हूँ। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। बहुत गरीब कलाकार हूँ, दुखी। आपके माता पिता क्या करते थे? मेरा पिताजी थे दार्जिलिंग महाकाल मंदिर का पुजारी। मेरा माता तो बचपने में गुजर गई थी। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा दार्जिलिंग में मेरा जन्म हुआ था जी। हाँ, मेरा जन्म हुआ था 45 में जी। हाँ, 29 दिसंबर में। आज ये उम्र में मैं माँ के दरबार में भजन गाती हूँ। हाँ, जी न्यूज DD1 कौन नहीं दिखा रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। बिग मैजिक चैनल मेरा पास कौन नहीं आया। अमेरिका का मीडिया, लंदन का मीडिया, हाँ, दिल्ली का मीडिया, पंजाब का मीडिया, कौन मेरे पास नहीं आया। उन लोगों ने भी तो पेपर में लीक आउट किया होगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। कोई आर्थिक मदद नहीं हुई आपको? आज तक आर्थिक मदद हमको नहीं मिला। स्थानीय नेता MLA MP किसी का भी नहीं। जब कला संस्कृति वाला यहाँ पर मंत्री है जी, कुछ नहीं। आकाशवाणी में आपका प्रोग्राम हुआ है? हाँ, DD आकाशवाणी में नहीं गई मैं। DD1 में गंगा सफाई अभियान में, खैर वो लता जी का गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। ये 2 रिकॉर्डिंग करके अभी भी दिखाता है गंगा सफाई अभियान में। तब भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, न बिहार सरकार न सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी का ध्यान नहीं। मैं प्रोग्राम करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, नाट्यश्री संस्था था, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1। कोई महिला संस्था भी मदद करने आपको नहीं आई? नहीं, कोई महिला संस्था नहीं, कोई नहीं। आपके पतिदेव क्या करते थे? मेरा पतिदेव तो डॉक्टर थे, फिजिशियन जी। उनका मर्डर होने के बाद मेरी मौसी यहाँ थी पटना में जी। मेरा बाराबंकी में शादी हुआ था। बाराबंकी में मेरा डॉक्टर HP दिवाकर थे, फिजिशियन थे, गीत और गजल भी लिखते थे। हाँ, 2 किताब था, तू ही तू लंबे आए मार्केट में निकल चुका था, डॉक्टर सीरीज तक 4था तक निकल चुका था। लेकिन उन्हीं का परिवार वालों ने मेरा हस्बैंड को मर्डर कर दिया। आपके पतिदेव का क्या नाम था? डॉक्टर साहब? डॉक्टर एच पी दिवाकर। क्यों मर्डर करवाया उन्होंने? मकान के चलते। तो जमीन विवाद के लिए? जमीन विवाद। कहाँ पर था मकान? बाराबंकी, वेस्ट बंगाल? नहीं, यूपी में। तब मौसी को हम चिट्ठी लिखे। मौसी यहाँ सूचना जनसंपर्क गीत नाटक प्रभात में ड्रामा आर्टिस्ट थे। हाँ, श्रीमती दुर्गा देवी। हाँ, और उनका लास्ट फिल्म था रश्मि की जंग। उसके बाद वो एक्सपायर कर गए 89 में। नॉमिनी करके गई थी। हाँ, LIC और GPF हमको मिला। अब और पैसा तो नहीं मिला। गए जनता दरबार नीतीश कुमार के यहाँ, तो बोलने लगा मजिस्ट्रेट बैठक, जब तक कोर्ट द्वारा आदेश नहीं हुआ नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तब नीतीश कुमार के पास कागज पत्र सब मांगकर आप ही अपना तोंदू भर लीजिए। हम गुम सेवा सत्कार किए। हाँ, उसको खाने को नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। बोला कि नहीं बहन बेटी लिखा है, तो हम कह दत्तक पुत्री का भी हक है, कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। कहता नहीं है, नहीं दिया। आज 5 साल हो गया नहीं दिया, तो हम भी चुपचाप है। कागज रखी हुई है सर? कागज मेरा एक वहीं तो फेंक दिया। कागज वहीं फेंक दिया आपने गुस्सा में? अभी भी मेरा सूचना जनसंपर्क गीत नाटक प्रभाग में होगा मेरा कागज पत्र सब, क्योंकि GPF मिला, LIC वाला मिला। हाँ, इसीलिए बाबू हम बहुत दुखी हैं। माँ काली से प्रार्थना करती हैं आप कि आपका दुख दर्द दूर हो? जरूर करते हैं हम। मेरा तो गुरु माँ काली है जी। उन्हीं को हम, आर एन स्वामी को भी हम गुरु नहीं माने हैं। उनको बोल दिए थे नहीं आपको गुरु नहीं मानेंगे, मेरी माँ गुरु है, सिखाया तो उन्हीं ने। हाँ, लेकिन उनको नहीं माने, आज तक नहीं माने हैं गुरु। कब से आप ये संगीत साधना कर रही हैं? हम 1990 से नाट्यश्री संस्था ज्वाइन किए, तब से मैं पहला तो खड़ा होके राष्ट्रीय एकता पर आधारित गीत, हाँ, जो है ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जोत से जोत जगाते चलो। हाँ, मेरे गीत में है राम का नाम, मेरी गीता यही है कुर्बान। हाँ, कोई नहीं गा सकता था नाट्यश्री संस्था में गायिका, हम ही थी तो गाने वाले। आप गीतकार भी है ना? आप गीत भी लिखती थी? गीत लिखती थी। अब तो आँख अंधा है जी, आँख से कुछ नहीं सुझाई पड़ता है। तो वैसा कोई गीत याद है जो आपने लिखा हो? तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, ए तो बता तू है कहाँ, तेरे बिना जाऊं कहाँ, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे। और तो सब भुला गए, आँख से सुस्ता नहीं। तो आँख का इलाज वगैरह कराए थे, ऑपरेशन हो गया जी। उसके बाद दोबारा फिर मछुआ टोली में, हाँ, आँख दिखाए, 500 रुपया फीस लगा के आँख में बोला झिल्ली है, सफाई हो गया, नहीं सुस्ता है। दोनों आँख की रोशनी खत्म हो गई क्या? दोनों आँख की रोशनी। बोला आपका रेटिना का झिल्ली बहुत कमजोर है, आपका माइनस है, बच्चे से मैं माइनस चश्मा लगा के चलते थे बच्चे से। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? हम स्कूल में इस मैट्रिक तक पास कर लिए जी, इंटर भी हम पास करके मेरा शादी ब्याह हो गया, दार्जिलिंग में मैं पढ़ी हूँ। कम ही उम्र में शादी हो गई आपकी? हाँ, कम ही उम्र में जा शादी हो जी। कितने बाल बच्चे? अभी तक 2 बाल बच्चा, एक होता है अब नॉर्मल बच्चा, एक होता सुनने में आया, उसको पढ़ाए भी, डांस भी सिखाए, कोई लेके फरार हो गया बम्बई। किसको? लड़की थी कि लड़का? लड़की को। हाँ, बड़ी खूबसूरत है जी। हाँ, उसको क्या नाम उसका? उसका वंदना था नाम जी। घर का नाम गुड़िया था, अब बाहर का नाम। अब हम देखते हैं उसको एक तो सास भी बहू में ननद का रोल की थी, देखे थे। और लास्ट वाला फिल्म था सीरियल गुंजन, गुंजन में देखे थे और बहुत कलाकार लोग आके बोला सीरियल आर्टिस्ट, मामा आपका बेटी बम्बई में है। हम लोग पूछे थे ना हम गुजरात के रहने वाले हैं। जब डायरेक्टर को बुला के देखा, नहीं पटना से आई है, आज मेरी बच्ची बम्बई में है। हाँ, अब ये भगवान जाने कौन ले गया है, क्या ले गया, लेकिन कलाकार ही लेके फरार हो गया। शादी हुई कि नहीं उसकी? शादी है, सुनने में आए कि 2 बच्चा है। अच्छा, आपको याद नहीं करती है? नहीं, भोजपुरी फिल्म में जूनियर का काम करता था, जूनियर आर्टिस्ट का, जूनियर आर्टिस्ट जी। क्या मिश्रा है, उसका नाम भी नहीं है। तो सुनने में आया उसके साथ है बम्बई में। आप सुनते हैं कि डांसिंग क्लास खोल के बांद्रा में बैठी हुई है। आपको याद नहीं करती है? नहीं, कहते ना 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 मेरा माँ बेटा दोनों पागल है, माँ भाई है ना। हाँ भाई। तो कैसे वो गायब हुए? वो डांस करती थी, क्लासिक कथक डांसर, पटना ही में, पटना ही में जी। उसी में लेके फरार हो गए। कितना साल पहले? 18 साल में। 18 साल बच्चा ही थी, नाबालिग थी। हाँ। 13 साल की थी, नाबालिग को लेके भाग गया था। FIR वगैरह की थी आप थाना में? बहुत किए लेकिन कोई पता नहीं चला यहाँ। अब डांस में आज बिहार में उसका जोड़ा नहीं था। एक तो था क्लासिकल डांसर, वो बेचारा एक्सपायर कर गया, नाम भी भुला गए। वो बोलता था कि आंटी इसके बराबर जोड़ नहीं है। आज लड़की फरार हो गई। मतलब कि आज जो जैसा समाज है उसमें अगर कोई लड़की डांस वगैरह सीखती तो वो सुरक्षित नहीं है ना, कब लापता हो जाएगी, कौन उठा के ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है बाबू। इसलिए हाँ, इस तरह की घटनाएं पटना में हो रही, अभी भी हो रही, बिहार में हो रही है। बहुत सारी लड़कियाँ डांस क्लास से निकली और गायब। इसलिए बाबू हम ये जानते थे, हम डांस न सिखाते उसको जी। देखे कि इन लोग, हम अच्छे 2 बच्चे का स्क्रिप्ट का बच्चा है। हाँ, यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन था परिवार नियोजन का। तो हमारे ही दोनों बच्चा इस 7 साल की थी, 9 साल का था। मेरा गुरुजी बोला कि दे दो। हमकन क्या जानता है इन लोग, नहीं दे दो ना तो बच्चा लोग सब चीज़ कर लेगा। तो वहाँ डायरेक्शन दिया, बच्चा लोग का रोल किया। उसके बाद डांस, ब्रेक डांस में दोनों बच्चा ने स्क्रिप्ट उठाया, हम अच्छे 2 बच्चे का। तो हम भी नहीं जानते थे कि मेरा बच्चा लोग डांस करता है। तब सिक्किम का मिनिस्टर गोदी उठाया, तुम कहाँ से, तुम्हारा नाम क्या है? घर का नाम अंकल जी, अंकल जी गुड़िया है। और स्कूल का नाम बन जाना। ये डांस कहाँ से सीखे हो? लेकिन हम लोग टीवी से सीखे, हमको भी नहीं पता था। बाद में हम सिखाना शुरू किया कि चलो भाई जब इसका डांस में मन है चलो हम सिखा दे। हम क्या जानते थे कि मेरा बच्ची फरार हो जाएगी या कोई लेके भाग जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा। तो ये कब से इसकी तबीयत खराब है? क्या नाम है इसका? प्रदीप कुमार। ये बहुत अच्छा गाता था, रफ़ी और किशोर का लेके चलता था ऑर्केस्ट्रा में। हाँ, इस सीमान गया डांस में उतरा, एक तो बंगाली डांसर से फंस गया। उसके बाद 4 साल रही, भाग गया। 2008 में भागा, 2009 से पोजीशन में आए। मतलब उसके वियोग में, उसी के वियोग में कहा जाने, भगवान जाने, नहीं जानते कितना डॉक्टर दिखाए। PMCH में दिखाए 3-3 बार, गारंटी वाला डॉक्टर को दिखाए, BK सिंह को, सब डॉक्टर को हम दिखा। तो उसको भूल क्यों नहीं जाता है? वो जो छोड़कर भागी उसको भूल क्यों नहीं जाता है? दिमाग रहता तब ना भूल जाता, दिमाग तो नहीं आउट ऑफ कंट्रोल। गाता है अब तो उल्टा सीधा गाने लगता है। गीत लिखता था, ये राइटर भी था, धुन कंपोज करता था। आर एन स्वामी बोलता है प्रदीप चलो भाई गीत मिला है, धुन कंपोज करो, धुन कंपोज करो। आर एन स्वामी जी अभी हैं या नहीं? हाँ यार, अभी हैं। खुश रहो बेटा, मनोकामना पूर्ण हो। आर एन स्वामी है। अच्छा, कहाँ पर उनका? ये BN कॉलेज के सामने, BN कॉलेज के सामने उनका कला केंद्र है ना। क्या नाम है? बिहार राष्ट्रीय संगीत था, अब तो कोई नहीं चलाता, वो नहीं चलाता। हम थे तो हम स्टूडेंट लोग को बियर करते थे। हम चले, उतना पैसा में नहीं हो गया तो हम राजेंद्र नगर तरफ डॉक्टर केवल शरण, इन लोग सबका अच्छा अच्छा परिवार के मिल जाती थी। स्कूल में भी सिखाते थे, बेटा खुश रहो, बेटा सदा सुहागिन रहो, बाल बच्चा सबका मनोकामना पूर्ण हो, आशीर्वाद निरोग रहने का, सदा निरोग रहे, ये माँ का यही आशीर्वाद है। बेटा सदा निरोग रहो, बेटा ये माँ का बेटा हो, इसलिए आज ये पोजीशन में मैं हूँ। बिहार में अच्छे कलाकारों का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों है कि यहाँ बिहार सरकार की ओर से करोड़ों रुपए बिहार कलाकारों के कल्याण पर खर्च हो रही है, फिर भी कलाकार उपेक्षित क्यों हैं? कलाकार शोषित क्यों, शोषित भी हैं कलाकार, शोषित भी हैं, शोषित भी है जी जी, कोई पूछने वाला, इज्जत भी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है जी। जो सही कलाकार है जी उसका कोई इज्जत नहीं है। ऐसा क्यों है? भगवान जाने, हो सकता बिहार सरकार में यही नीति हो, नियम हो, जो उनका जी हुजूरी में जाए तो उनको दे दे। हाँ। पुरस्कार मिला है कुछ आपको? कोई आपको नहीं, कुछ नहीं, कोई पुरस्कार नहीं मिला। पुरस्कार की कोई चाहत नहीं, क्योंकि आप कला साधना में व्यस्त रहती हैं, इसी कारण से। एक दफे यहाँ कृष्णा मेमोरियल हॉल में गौ रक्षा का प्रोग्राम था, उसमें खाली तुलसीदास का भजन चाहता, मैं गा रही थी भजमन रामचरण सुखदाई, तो बम्बई से भोजपुरी फिल्म का, माँ का फिल्म बना था, उन लोग आया, यानी हम लोग कलाकार खोजने आए, गायिका मन्ना दे और लता जी गाए हुए हैं, और एक लेडीज हम लोग बिहार से चाहते हैं, आंटी आपकी आवाज़ बहुत प्यारा है, हम आपसे गवाना चाहते। गुरुजी उसी टाइम ना 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 ना, इसको अभी एचएमबी से फुर्सत नहीं और टी सीरीज से फुर्सत नहीं। झूठ बोल दिए, झूठ ही बोला ना उन्होंने, झूठ बोला। हाँ। पत्ता साफ करता, टी सीरीज जो आला आता था उसको उल्टा सीधा करके पत्ता साफ कर देता, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मतलब गुरु ही आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उनका संस्था हाईलाइट ना होता जी जी, और फिर उसकी सेवा कौन करेगा, कौन करेगा। हाँ। जाने दीजिए बाबू, जो मेरा किसी को दोष नहीं देंगे, मेरा नसीब में नहीं था, नसीब का दोष देंगे। खुश रहो बेटा, मनोकामना। कोई गीत गा सकते हो तुम? गाओ गीत। Go to धन्यवाद। आप जो बोली थी एक गीत गाएंगी माँ दुर्गा वाला, वो गीत माँ काली को समर्पित कीजिए ताकि आपका जो दुख दर्द है माँ काली सुने आपसे और उसका समाधान करे। बहुत बढ़िया। बिग मैजिक चैनल में भी दिखाया। जी जी। बम्बई का। जी जी। आया था यहाँ, शूटिंग हो रहा था, गाना मांगा तो हम ये माँ का गाना दिए। ये गीत आपने ही लिखा था? नहीं कि मेरा एक तो बंगाली गुरु था, गुरु का गुरु। जी जी। वो माँ का भक्त था। जी। तो यहाँ पत्थर का मस्जिद के आगे कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज, हाँ, वहीं का प्रिंसिपल थी उनका वाइफ। माँ का भक्त थे तो दशहरा में 9 दिन प्रार्थना करते थे। तो उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है। धुन कंपोज किया था मेरा गुरुदेव आर एन स्वामी। जी जी। अच्छा, ये आपका जो दुख है अभी, जैसे आपका बेटा का इलाज नहीं हो रहा है, बीमार है और आर्थिक तंगी भी है, तो अपनी समस्या आप किन से कहना चाहेंगी? बिहार के मुख्यमंत्री से या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से? किन से कहना? बिहार का प्रधानमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने तो जी न्यूज वाला दिखाया, कौन पेपर में नहीं निकला मेरा। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, प्रभात, कौन पेपर में नहीं हुआ। जी न्यूज वाला सब दिखाते रहा, कोई सुनवाई, कोई सुनवाई। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगी कि वो आके एक हाथ जोड़ के उनसे विनती कीजिए। हाँ, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जी। एक अच्छे कलाकारों का इतना बेइज्जत ना हो। आज मैं लाचार हूँ, आँख से भी अंधा हूँ, आँख से भी नहीं सोचता है, पैर से लाचार हूँ। मेरा बेटा एबनॉर्मल बच्चा है, ये भी एक अच्छे कलाकार थे, आज ये पोजीशन में है, लेकिन बिहार में कोई सुनवाई नहीं। अगर इसे अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो यह स्वस्थ हो सकता है और संगीत क्षेत्र में एक अच्छा नाम भी कर सकता है। जी जी। आवाज़ भी अच्छा है। जी। तो इसे कोई एक अच्छा डॉक्टर मिले, मनोचिकित्सक, इसका इलाज हो सके, ताकि यह फिर से कला साधना करके बिहार का नाम ऊंचा करे। जी। अभी आप कहाँ रह रही हैं? हम खजांची मोड़। जी। अनुग्रह सेवा सदन। जी जी। हाँ, पहला हॉस्पिटल था, अब ट्रस्ट के अंदर में है। वहाँ किराए पर रहता हूँ बेटा। किराया देना पड़ता है? हाँ, 1500 देना पड़ता है। जी। क्या करें, मजबूरी है। मैं माँ काली से विनती करता हूँ कि आपकी पुकार को सुने और आपकी समस्या को समझ करके समाधान करे, और भारत के प्रधानमंत्री भी आपकी अपील को सुने। कोई अच्छे कलाकारों का ये पोजीशन ना हो। जी। मतलब कि राज्य में आपकी उपेक्षा होने के कारण ही आज आपकी बदहाली है। धन्यवाद। माँ काली आपकी समस्या का समाधान करे। धन्यवाद।